नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिलासपुर में बारिश के बीच चल रहे निर्माण कार्यों से शहर वासियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब नगर निगम ने मंगला चौक पर कलवर्ट निर्माण के लिए रोड ब्लॉक कर दिया है, जिसके चलते मंगलवार की सुबह से चौक पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। सड़क बंद होने से यहाँ जाम की समस्या से लोग जूझते नजर आए। मानसून शुरू होने के बाद भी नगर निगम बेतरतीब तरीके से नाले और नालियों का निर्माण कर रहा है। इसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शनिवार से हो रही बारिश के बाद शहर के विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोग खासे परेशान है। मंगला चौक से नाले का कलवर्ट निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मंगला चौक से नाला निर्माण किया जा रहा है। चौक के दूसरे तरफ भी निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते आगामी कुछ दिनों के लिए लोगों को परेशानी हो सकती है। मंगला चौक ब्लॉक होने से आसपास के कनेक्टिविटी की सड़कों में ट्रैफिक का लोड बढ़ गया है। नाला निर्माण एक तरफ तो हो चुका है और दूसरी तरफ चूंकि अभी वर्षा की चेतावनी है और पानी निकासी भी आवश्यक है, इसलिए प्रशासन ने निर्णय लिया कि इस रोड को पूरा बंद कर दिया जाए और एक ही बार में पूरा बना दिया जाए, जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है और ये 3 या 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने ब्लॉक के बाद ट्रैफिक डाइवर्ट करने की जानकारी दी है, लेकिन जिन सड़कों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है वहां मंगलवार को राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। खासतौर पर स्कूली बसें इस जाम में फंसी नजर आई। देखना होगा कि निगम के अधिकारी इस नाले का कार्य कब तक पूरा कर पाते हैं, जिससे लोगों की परेशानी खत्म हो। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देश के 40,000 स्टूडेंट को पछाड़ते हुए स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज हिंदी माध्यम स्कूल के विद्यार्थियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कलेक्टर सौरभ कुमार से मुलाकात कर तीनों विद्यार्थी, जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल के प्राचार्य ने उन्हें इसकी जानकारी दी। अपने इनोवेशन से छत्तीसगढ़ का परचम लहराने वाले स्वामी आत्मानंद बहुद्देशीय हिंदी माध्यम स्कूल के छात्रों ने अब की बार ला फाउंडेशन डेसो सिस्टम द्वारा आयोजित सी द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप प्रतियोगिता में फर्स्ट आए हैं। विद्यार्थियों ने उपलब्धि के बारे में कलेक्टर को बताया। पुणे में हुए प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में देश की टॉप 12 स्कूली टीमें शामिल की गई, जिसमें गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्वामी आत्मानंद स्कूल से शामिल टीम के विद्यार्थियों का इनोवेशन पहले स्थान पर रहा। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए बच्चों को बधाई दी। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य आर के गौराहा से कहा, स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब को ज्यादा बेहतर बनाने प्रस्ताव बनाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 40,000 स्कूलों से चयन करते हुए पूरे देश से प्रथम स्थान पर आना और G20 में प्रतिनिधित्व करना बहुत बड़ी बात है और सब बच्चों को मैं बधाई देता हूं, पूरे जिले को बधाई देता हूं। उन्होंने 12 को टॉप 12 सेलेक्ट करते हुए अपनी संस्था में बुलाया, पुणे के अपने हेडक्वार्टर में, और हम वहां गए। इन 12 के बीच में जो कॉम्पिटिशन हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर का, उसमें हम प्रथम स्थान पर आए। बच्चों को बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चे उस वहाँ पुरस्कार प्राप्त किए हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर मिले हैं, साथ ही 70,000 रुपये का एक अतिरिक्त पुरस्कार हमारे स्कूल को दिया गया है और बच्चे हमारे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस टीम में शामिल दीपमाला डहरिया, चिन्मय देव, विवेक तंबोली ने अपने इनोवेशन से चकित किया है। अब ये विद्यार्थी 4 जुलाई को गुड़गांव में होने वाले G20 सम्मेलन में अपना प्रदर्शन करेंगे। जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो अब तक के हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म था। हम लोगों को शुरुआती दौर में लगा कि जो और भी बड़े स्कूल आए हैं हो सकता है कि वो जीते, लेकिन जब हम लोग बैठे हुए थे तो फिर हमको लगा कि हाँ, हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर अंत में जब निष्कर्ष निकला कि फर्स्ट प्राइज कौन जीतेगा, तब हमें पता चला कि जब नाम लिया गया कि स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट मल्टीपर्पज दयाल वन, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा गर्व का बात है कि हमारे जो औरों की तुलना में जो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दिए उन लोगों ने, उससे हिंदी में जो प्रेजेंटेशन दिए हम लोगों ने, वो जीता। जैसा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप, इसके मुताबिक बिलासपुर के विद्यार्थियों ने प्रोडक्ट का पेटेंटिंग
सिस्टम पर अपना इनोवेशन प्रेजेंटेशन दिया है। मल्टीपर्पज स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी काबिलियत का फिर से परिचय दिया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सौ टीवी, बिलासपुर। भाजपा का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत मंगलवार को भोपाल से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लगभग 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता से जुड़ाव रखें। आगामी चुनाव में जनता के बीच जाकर कार्य करने कहा गया। जरहाभाटा ओम नगर स्थित बूथ कार्यालय में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जुटे। यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बातों को सभी ने लाइव सुना और बताए गए सभी बातों को जमीनी स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया। आज मोदी जी के द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भोपाल में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के पश्चात अल्पकालीन विस्तारक समस्त मंडलों में आकर हम लोगों के साथ वार्डों में, शक्ति केंद्रों में, बूथों में नागरिकों से घर घर जाकर संपर्क करेंगे। यह अभियान 29 जून से 5 जुलाई तक मंडलों में चलेगा। शांति कबड्डी संघ ने जिला कलेक्टर से कबड्डी के लिए मैदान की मांग की है। जनदर्शन के दौरान अधिकारियों के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि कबड्डी खेलने वाली जगह को अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चिन्हांकित किए जाने से कबड्डी खिलाड़ियों को परेशानी होगी। पिछले काफी समय से तोरुआ क्षेत्र के कबड्डी खिलाड़ी छठ घाट के बगल में खाली शासकीय भूमि पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बीते दिनों इस जगह को प्रशासन ने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए चिन्हांकित किया है, जिसकी वजह से इन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए अब परेशानी होने लगी है। इसी समस्या को लेकर मंगलवार को खिलाड़ियों ने कलेक्टर से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया है कि जिस मैदान में अभी भी कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे किसी दूसरी संस्था को न दिया जाए, बल्कि इस स्थल को कबड्डी संघ को प्रदान किया जाए ताकि अभ्यास लगातार चलता रहे। बहुत दिनों से तोरवा में रहते हैं, तो तोरवा में पहले प्रैक्टिस करते थे, है ना, तो वहाँ जमीन के कुछ कमी के वजह से कारणवश हम लोग छठ घाट में वही लगभग 10-12 सालों से वहीं प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ ना कुछ अभी सिलाई कढ़ाई का सेंटर बनने वाला है, तो हम लोग का जो ग्राउंड है वो छीन रहा है, तो उसके लिए हम लोग कलेक्टर से कुछ हम ग्राउंड के नाम से आए हैं, वहाँ जमीन कुछ बनने जा रहे हैं, सरकारी कार्यालय, तो हमारे खेलने के लिए वहाँ ग्राउंड नहीं है, तो वहाँ कने हम ग्राउंड के लिए आए हैं। शासन से ये चाहते हैं कि कबड्डी मैदान के लिए वहाँ हमको चूंकि थोड़ा सा जगह दे दिया जाए जहाँ बच्चे लोग प्रैक्टिस कर सके और साल में हम लोग जो आयोजन कराते हैं उसको हर साल करा सके। चार पाँच साल पहले तोरवा के अंतर्गत तो बहुत सारी जगह थी, चूँकि अब सरकारी ज़मीन थी कहकर सब कुछ ना कुछ बन गया है। अभी छठ घाट के सामने में खाली जगह है, तो वहीं 4-5 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जमीन उनसे छिन गई तो खिलाड़ियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस वाली जगह को कबड्डी संघ तोरवा को देने की मांग की गई है। लोकसौ टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। संविदा भर्ती के लिए शिक्षक पद के पात्र 140 को बुलावा भेजा था। इनमें केवल 56 अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच कराने पहुंचे थे। लाल बहादुर शास्त्री स्वामी आत्मानंद स्कूल में दूसरे दिन शिक्षक और सहायक शिक्षक के उम्मीदवारों को शैक्षणिक और दूसरे योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने कहा गया था। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 35 पदों के मुकाबले 175 को उपस्थित होना था। इनमें भी बहुत से उम्मीदवार वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। बुधवार अंतिम दिन गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थी बुलाए हैं। इनके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। चयनित अपने पदों पर जिले के नए खुले स्वामी आत्मानंद हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अपनी सेवाएं देंगे।
24 जून को व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने श्रम निरीक्षक की परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में तमाम सवालों के बीच में एक सवाल यह भी था कि रावत नाचा किस प्रदेश के आदिवासियों का नृत्य है। दरअसल रावत नाचा यादव समाज का वर्षों पुराना नृत्य है, मगर व्यापम की परीक्षा में आदिवासियों के नृत्य की बात कहकर विवाद पैदा कर दिया गया है। व्यापम के इस क्वेश्चन से यादव समाज को ठेस पहुंची है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रश्न का चयन करने वालों के ऊपर तत्काल कार्यवाही हो और इतिहास में यह बात स्थापित ना हो जाए, इसलिए तत्काल इसकी भूल को सुधार किया जाए। उन्होंने कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। राउत नाच पूरे केवल छत्तीसगढ़ नहीं भारत वर्ष में पहचाना जाता है और केवल यादवों की नृत्य है और आज का नहीं, ये द्वापर युग से भगवान धृष्ट इंद्र का मारवर्धन किए थे उस समय से जो खुशी हुई और लाठी लकड़ी लेके ग्वालों ने नाची, वो आज तक उस परंपरा को इस रूप में कायम हमारे यादव समाज के भाइयों ने रखा है, जिसे आदिवासियों का नृत्य कहना बहुत ही अनुचित है और हमारे यादव समाज के लिए तोहिनी की बात है। मुंगेली जिले के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी नहीं होने से नाराज प्रेमी युगल ने एक साथ एक ही पंखे पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पूरा मामला लालपुर थाना क्षेत्र के बिजरा कापा कला की है। यहां रहने वाले युवती धनेश्वरी ध्रुव अपने प्रेमी बिलासपुर निवासी दुकालू धीवर से सात फेरे लेकर परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहती थी। जानकारी के अनुसार लंबे समय से प्रेम प्रसंग के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधा चाहते थे। इसको लेकर युवक युवती अपने घर में कई दफा प्रयास किए, लेकिन घर वाले दूसरी जाति का होने के कारण प्रेमी युगल को शादी की सहमति नहीं दिए, जिसके चलते नाराज प्रेमी और प्रेमिका ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साहिका का सम्मान किया। बिलासपुर विधायक ने जिले में उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर प्रशंसा करते हुए आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए 10 लाख देने घोषणा की। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभागार में महिला सम्मान कार्यक्रम में आए बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा, आप माताओं बहनों से मुलाकात करने और कामकाज में होने वाली दिक्कतों को जानना था। उन्होंने आगे कहा, कुपोषण रोकने के लिए सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने बेहतर क्रियान्वयन किया है। आंगनबाड़ी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सबल बनाने भूपेश सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्होंने यहां सहायिका कार्यकर्ता और सेक्टर प्रभारियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। श्री पांडे ने आंगनबाड़ी सभा भवन बनाने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने घोषणा भी की। जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें हैं वो बड़ी ही शिद्दत से शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाती हैं। आज आंकड़ों में बताया हमारे जो तारकेश्वर सिन्हा जी ने, उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 7.5% जो है प्रतिशत जो है वो कुपोषण घटा है, तो इसका अगर श्रेय जाता है तो वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का और सहायिकाओं का जाता है। और सरकार ने हमारी उनका जो 3,500 मानदेय भी बढ़ाया है, इसकी भी खुशी उनके अंदर है और मैंने उनसे कहा है कि हमारी सरकार आपके साथ है। इससे पहले सेवानिवृत्त होने पर 10 कार्यकर्ता सहायिकाओं को विदाई सम्मान दिया गया। महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी तारकेश्वर सिन्हा, परियोजना अधिकारी राजेश्वरी पाटले ने आयोजन और सहयोग के लिए विधायक का आभार जताया। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिम्स में मरीज के परिजनों के लिए खाना बनाने के लिए किचन नहीं है, जिसके कारण बरसात में परिजन खुले में खाना बनाने को मजबूर हैं। हालांकि सिम्स प्रबंधन का दावा है कि सिम्स के ऊपरी माले में किचन का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अव्यवस्था के चलते मरीज के परिजन काफी परेशान हैं। पहले सिम्स गेट के पास शेड के नीचे परिजन खाना बनाते थे, वहाँ कैंटीन आ जाने के कारण उस स्थान को ब्लॉक कर दिया गया। मरीज के परिजन खुले आसमान के नीचे खाना बनाने मजबूर हैं। इस ओर सिम्स प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन भर में यही खाना पीना बना रहे हैं, मरीज एडमिट है, अब बरसात आ गया, अब जहां मिलेगा साधन वहां अभी तो कोई व्यवस्था नहीं, अब जैसे भी होगा अब खरीद के खाएंगे या तो कुछ भी करके, अब अपना बनाने का जगह नहीं है। बरसात में ज्यादातर बच्चे
सर्दी खांसी बुखार फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा मलेरिया टाइफाइड की शिकायत भी बच्चों में हो रही है। सर्दी खांसी बुखार का मुख्य कारण वायरल संक्रमण है, साथ ही दूषित खान पान पेयजल के कारण भी बच्चे इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वहीं डायरिया व वायरल फीवर टाइफाइड आदि के गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। तहसील कार्यालय में पार्किंग का संचालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वहां वाहन अव्यवस्थित रूप से खड़े हो रहे हैं। 2 माह पूर्व तहसील प्रांगण में कंक्रीट सड़क का निर्माण कराया गया है, जिस पर तहसील कार्यालय काम लेकर आने वाले लोग वाहन खड़ा कर रहे हैं। यहां पार्किंग के लिए खाली स्थान होने के बावजूद लोग कहीं भी वाहन को खड़े कर देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इस ओर अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। आषाढ़ मास की 10वीं तिथि यानी बुधवार को भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस आएंगे। महाप्रभु बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की मौसी गुंडीचा के घर पर खूब आवभगत हुई। 9वें दिन बहुड़ा यात्रा धूमधाम से पहुंचेगी। गुंडीचा देवी को भगवान जगन्नाथ की मौसी के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भक्तों से मिलने गर्भगृह से निकलकर महाप्रभु बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथ यात्रा करते हैं। इसके बाद सभी मौसी के घर पूरे 8 दिन विश्राम करते हैं। यहां उनकी खूब आवभगत होती है। इस समय प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। आषाढ़ की 10वीं तिथि पर भगवान जगन्नाथ की मुख्य द्वार के लिए वापसी होगी। इसे गुंडीचा यात्रा के नाम से जानते हैं। वो इंद्रद्युम्न राजा जिस टाइम में जगन्नाथ मंदिर को बना शुरू किया, वो जब मंदिर प्रतिष्ठा होकर विग्रह स्थापित हुआ, इसी टाइम में जगन्नाथ जी वो गुंड जो इंद्रद्युम्न का पत्नी गुंडीचा, इनको इनका घर में आना के लिए 9 दिन इनका घर में आए कि रहना के लिए, हर साल 9 दिन रहना के लिए वो वर दिया था। रेलवे परिक्षेत्र में स्थापित भगवान जगन्नाथ मंदिर के बगल में देवी गुंडीचा मौसी का अस्थाई घर बनाया है, जहां महाप्रभु को उनका पसंद का भोग लगाने भक्त रोज पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्य 9 दिवसीय उत्सव का हर साल आयोजन करते हैं। जब मंदिर से निकल के भगवान मौसी घर में रहते हैं, वहाँ पर अगर आप दर्शन करते तो उसका 10 गुना पुण्य मिलता है, तो इसलिए लोगों का भीड़ उमड़ता है और भजन संध्या चलता है, शाम को लोगों को प्रसाद वितरण करता है। रथ यात्रा की तरह ही बुधवार को होने वाली भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की वापसी गुंडीचा यात्रा उनके भक्तों के लिए उत्साहजनक रहेगी। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गुप्त नवरात्र के 9वीं के दिन देवी मंदिरों में विशेष आराधना पूजा की गई। इसके साथ ही देवी मंदिरों में महिलाओं द्वारा सुहागले पूजा कराई गई। मंगला के अभिषेक नगर फेस 1 स्थित मंदिर परिसर में महिलाओं ने व्रत रखकर सुहागले पूजा की। सौभाग्यवती महिलाओं ने उपवास रखकर अवसान देवी की कथा सुनकर पूजा व आरती की। मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरो वाली का चोला है रंगला, ओ जोत वाली का चोला है रंगला, ओ बेरानी का चोला है रंगला, माँ वैष्णो का चोला है रंगला, ओ भवन मैया का लाल चोला है रंगला, 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 रंगला। प्रदेश में मानसून आ चुका है। लगातार 3 दिनों से बारिश भी हो रही है। रुक रुक कर और रिमझिम हो रही बारिश की वजह से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं गली मोहल्लों में पानी भर जाने से लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। वार्ड नंबर 66 सरकंडा के बंधवा पारा में नाली और सड़क एक समान हो जाने के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। यहाँ घुटने तक पानी भर जाता है, मगर वार्ड वासियों का आरोप है कि पार्षद पुष्पा तिवारी उनकी समस्या का दान नहीं कर रही है। वैसे तो पहले भी लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी यूं ही सड़क में भरा रहता था, मगर बरसात के पानी की वजह से अब यहां घुटने भर पानी नजर आने लगा है। वार्डवासियों ने नगर निगम प्रशासन और महापौर से राहत दिलाए जाने की मांग की है। पानी नाली और सड़क बहुत भर जाता है सर, यहाँ घुटना भर पानी रहता है और चलने फिरने में तकलीफ होता है। जस्ट मेरे घर के सामने ही है, कितनों व्यक्ति तो नाली से नहाते नहाते बोझा भी जाते नाली में,
50 बार मना करने पर भी आदमी नहीं समझते, वहाँ मीटर भी लगा हुआ है, कितनों बच भी जाते हैं उसमें से, तो इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ है हम लोग को। पान पार्षद महोदय, एक बार भी झांकने नहीं आए कि नाली क्या व्यवस्था है। अरे आ जाते लोग अपने समस्या बताते, जैसे आपको बता रहे हैं, हम उनको बोलते कि ये समस्या है दीदी, कि आप इनका निराकरण कीजिए, वार्ड में सफाई कर्मी है उनको थोड़ा बोलिए, कहीं जाम है लोहा पाइप वगैरह में साफ कीजिए, थोड़ा आ जाना चाहिए। हम लोग यहाँ रहते हैं, गुजरते हैं, बच्चे जाते हैं, उन लोग जानते हैं, उनको दूर रहना है भाई। वार्ड के पार्षद चुने हैं, वार्ड विकास चुने गए हैं। क्या नाम है भाई पार्षद का? पार्षद महोदय ना पुष्पा तिवारी है। तो कभी आती है आप? नहीं, आते हैं, ऐसा सब नहीं आता। जब डिपिकल लाइट गोल है, पेड़ गिरा है, अभी इतना बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ झाँकने नहीं आता, मंदिर बच गया, बड़ा झाग गिरा है, लोग मरते मरते बच गए। हल्की सी बारिश में भी नाली का पानी पूरा रोड पर आ जाता है, लगभग 1.5 से 2 फीट पानी रहती है, और ये पानी बरसात का पानी नहीं है, डेली जो यूज़ होता है वो पानी जो पास होता है वो तक यहाँ जाम हो जाता है। कितनी बार कहा गया है ना नालियों की सफाई होती है बराबर, इतना जाम हो जाता है कि वो पानी ओवरफ्लो होता है। अभी बारिश को देखते हुए, बारिश के देखते हुए तो बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है, क्योंकि वहाँ नाली और रोड दोनों बराबर में आ जाते हैं, बच्चे कभी गिर जाते हैं, गाड़ी वालों को धोखा हो सकता है। सकरी गली है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी दोनों जब पास होती है तब धोखा हो जाता है। बिलासपुर जोनल स्टेशन आने वाले यात्रियों को अब पार्किंग को लेकर काफी दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल पुराना पार्किंग का टेंडर समाप्त हो चुका है, जिस फर्म को नया टेंडर मिला है वह फर्म अब तक पार्किंग स्टैंड के बाहर ना तो कोई रेट लिस्ट लगाया है और ना ही ऑटोमेटिक बूम बैरियर। बिलासपुर स्टेशन का पार्किंग ठेका हमेशा विवादित रहा है। स्टैंड संचालक की मनमानी के साथ साथ कर्मचारियों की बदतमीजी की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं। वर्तमान में यात्रियों को यहां नई समस्या से जूझना पड़ रहा है। दरअसल पुराना ठेका यहां समाप्त हो चुका है। रेलवे द्वारा राजकिशोर नगर निवासी मिश्रा फर्म को नया टेंडर जारी किया गया है। पिछले 5 दिनों से नया पार्किंग का ठेका शुरू हो गया है, लेकिन किस से कितना मूल्य लेना है और गाड़ी कहां पर रखनी है यह बताने व देखने वाला यहां कोई नहीं है। नए ठेकेदार के कर्मचारी मनमाने तरीके से स्टेशन परिसर में वाहनों को पार्क करा रहे हैं और पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं, जबकि ठेकेदार को यहां नया रेट लिस्ट चस्पा करना था मगर अब तक नहीं किया गया है। वहीं ड्रॉप एंड गो का बोर्ड भी यहां से गायब है। नॉर्मल पार्किंग से लेकर प्रीमियम पार्किंग का यही हाल है। इसके साथ ही प्रीमियम पार्किंग में ऑटोमेटिक बूथ बैरियर का प्रावधान है मगर यहाँ बैरियर का नामो निशान नहीं है, जिसके चलते यात्री भटक रहे हैं। सूत्रों की माने तो ठेकेदार व रेलवे के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सुलभ शौचालय के पास बैरियर लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों और राहगीरों को और समस्या होगी। अब यह देखना होगा कि रेलवे के अधिकारी यहाँ की स्थिति कितनी जल्द सुधार पाते हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बीते 4 माह से यात्री ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। कई ट्रेनें समय पर छूटकर रास्ते में विलंब हो रही तो कोई यहीं से विलंब से छूट रही है। विलंब होने के कारण यात्रियों की कनेक्टिंग ट्रेन छूट जा रही है, जिसको लेकर यात्री आए दिन परेशान हो रहे हैं। प्रारंभिक स्टेशन से विलंब होने पर यात्री हंगामा करने लगते हैं, इसके बाद भी रेल प्रशासन उनकी परेशानी नहीं समझ रहा। स्थिति यह है कि अगर आपको कोई ट्रेन पकड़ना है तो वह मिलेगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। यात्रियों की समस्या से रेलवे को कोई सारोकार नहीं है। रेलवे की सवारी करनी है तो स्वयं को ही सतर्क रहना होगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में बरसात के दौरान यात्रियों के सामान ट्रेनों के इंतजार करते वक्त भीगने लगे हैं। बरसाती पानी यात्रियों के सामानों तक पहुंच रहा है, जिससे यात्री खासे परेशान हैं। बिलासपुर स्टेशन में रोजाना यात्रियों को कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मगर इन समस्याओं पर रेलवे के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसे लेकर यात्रियों में खासी नाराजगी है। सरकंडा में सुभाष चौक से पुराने पुल की ओर जाने वाली सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। इससे पूर्व यहां पर नगर निगम ने अमृत मिशन के तहत काम किया था। ऐसा लगता है कि फिलिंग के दौरान लापरवाही की गई है, जिसके कारण सड़क धंसी है। मानसून की पहली बारिश को ही यह कमजोर सड़क नहीं झेल पाई और जमीन के भीतर समा गई। सरकंडा क्षेत्र के लोग और राहगीर निर्माण कार्य की ऐसी दुर्गति देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।